all my dear students, this is very special lecture series for the student who feel physics a very hard subject. Okay, so feel the physics with Sajid sir. इस लेक्चर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लेटेंट हीट. ओके, तो आज डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, सारा इसका पोस्टमार्टम करेंगे. लेटेंट हीट, ओके. तो लेटेंट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, जो छुपी हुई है, दिखाई नहीं देगी. ओके, लेटेंट का मीनिंग क्या होता है? हिडन हीट, हिडन हीट. ओके, अब आराम आराम से समझो. आप सपोज आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे, तो इस सब्सटेंस के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं. एक, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है. अब एक चीज़ याद रखना, एक कंटेनर आपने गर्म करना शुरू किया, जैसे ही रख दिया ऐसे ही टेम्परेचर भड़बड़ ऐसा भरना शुरू नहीं होगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पहले उसकी स्टेट चेंज होगी, तो जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. हीट अंदर डिसअपीयर हो जाती है, उस हीट को बोलते हैं, स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. और टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, या फिर स्पेसिफिक वर्ड तो बाद में आएगा, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. अब ये हीट कैपेसिटी पे हमारे फील द फिजिक्स में एक अलग लेक्चर है, उसको देख लेना. इसमें ये तो बहुत बड़ा लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें करे वाली हमने, लेकिन इस ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है. हमारा आज का टॉपिक है लेटेंट हीट, जो स्टेट चेंज करने के काम आती है. ओके, तो होता क्या है, मान लो आइस है, कंटेनर है, कंटेनर में बर्फ है, आइस क्यूब रखे हुए हैं. ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें थर्मोमीटर रख दिया. थर्मोमीटर मतलब जो टेम्परेचर मेजर करता है. क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है. अब इसको मैंने गर्म करना शुरू किया तो मैंने देखा कि दो मिनट तक हीट देना तो शुरू थी, टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं. टेम्परेचर कहाँ पे था? 0 डिग्री सेल्सियस मार्क पे था. अब मैंने तो हीट दी, आइस ने हीट ली, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं. अब कहाँ गई हीट फिर? तो ये हीट जो थी स्टेट चेंज करने के काम आई, जो इनविजिबल है, दिख रही है क्या? नहीं. उसका कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं. लेकिन क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट चेंज होते को टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं. तो ये जो हीट है इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट माने ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने के काम आती है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. और याद रखना, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है. अब स्टेट चेंज कैसे कैसे हो सकती है? सॉलिड टू लिक्विड, उसके बाद लिक्विड टू गैस. अब ज्यादा टेंशन मत लेना, सर सॉलिड टू भी गैस होता है, वो टेंशन मत लेना. तो सॉलिड टू लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन. इसको मैं रब कर देता हूं. सॉलिड टू लिक्विड को मैं क्या बोलता हूं? फ्यूजन. ओके, और लिक्विड टू गैस को बोलता हूं मैं वेपराइजेशन. क्या बोलता हूं मैं? वेपराइजेशन. तो सर ऐसे भी हो सकता है ना, गैस टू लिक्विड भी हो सकता है, 100% हो सकता है. तो गैस टू लिक्विड को बोलूंगा मैं कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. ओके, और लिक्विड टू सॉलिड को बोलूंगा मैं फ्रीजिंग. क्या बोलूंगा मैं? फ्रीजिंग. लिक्विड टू सॉलिड होने को मैं क्या बोलूंगा? फ्रीजिंग बोलूंगा. समझ में आया? तो अब एक चीज समझो, सॉलिड टू लिक्विड जब होता है ना, तो हीट एब्सॉर्ब होती है, ओके. लिक्विड टू गैस होता है ना, तब भी हीट एब्सॉर्ब होती है, अब गैस टू लिक्विड जब होता है ना, तो हीट इवॉल्व होती है, समझना इस चीज़ को, हीट इवॉल्व होती है. और लिक्विड टू सॉलिड भी क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, मतलब अगर आपको सॉलिड टू लिक्विड जाना है तो उसको चूल्हे पे रखना पड़ेगा, बर्नर पे रखना पड़ेगा. और लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो फ्रिज में रखना पड़ेगा. तो फ्रिज क्या करेगा? हीट निकाल लेगा अंदर से, और बर्नर क्या करेगा? हीट दे देगा. तो सॉलिड टू लिक्विड हीट एब्सॉर्ब होगी, लिक्विड टू गैस हीट एब्सॉर्ब होगी, गैस टू लिक्विड हीट इवॉल्व होगी, लिक्विड टू सॉलिड हीट इवॉल्व होगी. ठीक है, तो अब समझना, लेटेंट हीट माने जो स्टेट चेंज करने के लिए हीट यूटिलाइज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. अब स्टेट सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब लिक्विड टू गैस हो रहा है तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेकिन लेटेंट हीट का कोई मीनिंग नहीं होता. मतलब क्या लेटेंट हीट? मतलब हाँ चलो, स्टेट चेंज सॉलिड टू लिक्विड. अब कितना, कोई 10 लीटर पानी लेगा, कोई 50 लीटर लेगा, कोई 100 लीटर लेगा, तो इसका कुछ काम आएगा क्या? नहीं आएगा. तो इसके लिए हमने एक नई टर्म निकाली जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट.
क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट में हम क्या करते हैं, एक किलोग्राम सब्सटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, एक किलोग्राम सब्सटेंस। ओके, तो चलो देख लो, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। स्पेसिफिक लैटेंट हीट किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल माने स्पेसिफिक लैटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। अब हीट का यूनिट होता है जूल, मास का होता है किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम, या फिर अर्ग पर ग्राम, या फिर बहुत फेमस यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम। और सबको पता है एक कैलोरी, एक कैलोरी हीट यूनिट बोलते हैं उसको, इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी माने 4.18 जूल। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिखते चलो। ओके, लेट मी रब दिस। अब जो स्टेट चेंज होती है, अब लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। अब देखो स्टेट दो तरीकों से चेंज होगी, कौन कौन सी, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, और दूसरी लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। तो सॉलिड टू लिक्विड को आप क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। तो अगर आप स्टेट सॉलिड से लिक्विड करा रहे हैं तो उसको बोलेंगे लैटेंट, सॉरी स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक माने एक किलोग्राम, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिनोटेड बाय LF। एंड LF इज सेम फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर लिक्विड टू गैस हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ओके, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक माने एक किलोग्राम, या रिक्वायर्ड ऑन यूनिट एक किलोग्राम, एक ग्राम, कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ, हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माने LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं। ये दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट होता ही है वो, टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट। तो ये जो हीट यूज हो रही है जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी स्पेंडेड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड फॉर और फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। देखो सॉलिड में कैसे होगा, ऐसे होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके होंगे, तो आप इसको एनर्जी दोगे, ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। मतलब सॉलिड का लिक्विड करा तो ये डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो ये वर्क करने के लिए एनर्जी स्पेंड हो जाएगी। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं, गैस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ऐसे होंगे, इतने दूर दो, तो ऐसे को ऐसे कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो लैटेंट हीट के फॉर्म में लगेगी। समझ में आया, तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट माने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट डिनोटेड बाय एल। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन माने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, दिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, दिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बाय गिविंग यू द एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल दे दूंगा मैं आपको और सारी चीज़ें कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है, इसको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11, 12 तक काम आ जाएगा, आप 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, कोई मैटर नहीं करता, आगे तक आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास आइस है। ओके, आपने आइस का हीट किया, आइस का बना वाटर, आइस का बना वाटर, वाटर को हीट किया, वाटर का बना स्टीम। टेम्परेचर चेंज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमें अभी उससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज हम लैटेंट हीट स्टडी कर रहे हैं। मान लो एक ग्राम आइस है, एक ग्राम आइस है, एक ग्राम आइस से एक ग्राम वाटर बनाना है, और टेम्परेचर कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देख लो, हाँ अब देख लो, तो जैसे ही मैंने अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे
80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। तो 80 कैलोरी हीट देने पर सारा आइस पिघल जाएगा, एक ग्राम आइस को 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब एक ग्राम पानी बनेगा जिसका टेम्परेचर भी कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो आइस से वाटर होते वक्त आपको इसमें 80 कैलोरी हीट डालनी पड़ेगी। तो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा 80 कैलोरी पर ग्राम, इसको जूल करना चाहते हो 4.8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आइस टू वाटर जाना चाहते हो, तो 80 कैलोरी, एक ग्राम आइस को 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करेगा वो। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में पानी से वाटर आओगे तो 80 कैलोरी हीट वो बाहर डालेगा, 80 कैलोरी हीट वो बाहर डालेगा। अगर पानी में से 80 कैलोरी हीट अगर बाहर निकालोगे आप, टेम्परेचर तो कम नहीं होगा लेकिन पानी का क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब आपने इसको एक ग्राम पानी को हीट देना शुरू किया तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक सिचुएशन आएगी जब पानी का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से यहाँ की सिचुएशन अभी इस लेक्चर में हमें स्टडी नहीं करनी। तो पानी कब आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को अगर आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर से स्टीम में जाने के लिए एक ग्राम पानी को, अब ये एक ग्राम पानी है तो एक ग्राम स्टीम है, तो आपको यहाँ पर 540 कैलोरी हीट इसको देनी पड़ेगी, ये एब्सॉर्ब करेगा। एक किलोग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला 540 कैलोरी पर ग्राम, ये हो जाएगी इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आप स्टीम को पानी करोगे टेम्परेचर उतना ही रख के तो 540 कैलोरी हीट बाहर निकलेगी, समझ रहे हो? मतलब आइस से वाटर और वाटर से स्टीम जाते वक्त हीट एब्सॉर्ब होगी, स्टीम से वाटर और वाटर से आइस आते वक्त हीट रिलीज होगी, इवॉल्व होगी। ओके, नोट दैट टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। सो दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। और ये 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट। तो स्टेट चेंज करवाने के लिए जो हिडन हीट होती है, जो बॉन्ड वीकनिंग के काम आती है, देख लो अभी जो आइस होगा, आइस ऐसे होगा। ओके, अब वाटर कैसे होगा? अब स्टीम कैसे होगी? स्टीम ऐसे होगी। तो ये जो एनर्जी आप दे रहे हो 80 कैलोरी 540 कैलोरी, ये एनर्जी कहाँ पर यूज़ हो रही है? इस एटम्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रही है। ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट। ठीक है, तो आई होप आपको लेटेंट हीट समझ में आई होगी। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।